सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। फैशन की दुनिया में मॉडलिंग अधूरी होती है और जब उसे खींचा जाए तो उभर कर सामने आती है, जिसके कारण मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड के खिताब से जीता जाता है। एमआई क्वीन ऑफ नेशन का सीजन 4 सॉफ्ट लॉन्च और ऑडिशन भव्य तरीके से किया गया। 1 सितंबर को शिरकत करेंगी बॉलीवुड अभिनेत्री सुधा चंदन। एमआई क्वीन ऑफ नेशन का सीजन 4 सॉफ्ट लॉन्च और ऑडिशन भव्य तरीके से किया गया। 1 सितंबर को शिरकत करेंगी बॉलीवुड अभिनेत्री सुधा चंद्रन। मजेंडा आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एवं मेंस प्रोडक्शन के तत्वाधान में एमआई क्वीन सीजन 4 का सॉफ्ट लॉन्च और ऑडिशन कैफे बैरल नागपुर में किया गया। ऑडिशन में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी और बहुत सारे प्रतियोगी भाग लिए। एमआई क्वीन ऑफ नेशन इसके पहले अपने 3 सीजन सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जहां इस बार भारतीय प्रेजेंट इतिहास में मॉम्स फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग जन की भी भागीदारी सेशन 4 में की जा रही है, जहां उसके द्वारा बनाए प्रोडक्ट में मॉडल वॉक करते नजर आएंगे, जो कि एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा। मॉम्स फाउंडेशन हमेशा की दिव्यांग जानों को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर है। एमआई क्वीन का ये सीजन बेहद ही रोचक होने जा रहा है। भारत भर में ऑडिशन किए जाएंगे, देश के अलग अलग कोने से मॉडल शिरकत करने जा रहे हैं। अलग अलग टास्क इन्हें दिए जाएंगे जो कि अगले 2 महीने तक चलने वाले हैं, जिसमें मॉडल्स की ओवरऑल व्यक्तित्व को निखारा जाता है, जहां बड़े बड़े ग्रूमिंग एक्सपर्ट इन मॉडल्स को ट्रेनिंग देते हैं। इस वर्ष एमआई क्वीन के साथ लड़कों के लिए मिस्टर इंडिया एक्सक्लूसिव मैन हंट में प्रवेश करने का मौका है। एमआई क्वीन की संस्थापक मोनिका ने बताया कि किस तरह से वे पिछले 3 वर्ष से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रति वर्ष के शो का आयोजन करती आ रही हैं, जहां नागपुर में एक नेशनल लेवल का ब्यूटी प्रेजेंट का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार बॉलीवुड दीवा सुधा चंद्रन 1 सितंबर को होटल रेजेंटा ग्रांड फिनाले में शिरकत करने वाली है। एमआई क्वीन के साथ मिलकर मॉम्स फाउंडेशन के फाउंडर एवं खुद भी मिस्टर इंडिया रह चुके और रियलिटी शो में शिरकत कर चुके मॉडल एक्टर डायरेक्टर सनी फ्रांसिस के कुछ अलग कॉन्सेप्ट, जो कि ब्यूटी प्रेजेंट में एक क्रांति की तरह देखा जा सकता है। वहां अपलिफ्टिंग फिजिकली चैलेंजेस्ड चेंजिंग लाइफ्स यह सामाजिक कारण के माध्यम से विकलांग लोगों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा। इन ऑडिशंस में मौजूद अतिथि पिछले साल की विजेता शिवानी जोशी, गुंजा पिंजा, आकांक्षा चौधरी, कल्पना येरने और शिका पिपलेवर्क थे। साथ ही चंदा ओझा ने प्रोजेक्टेड हेड किया। प्रोडक्शन का समर्थन एनिमस इवेंट्स द्वारा किया गया और प्रिंटिंग का समर्थन केपीआर साइंस द्वारा किया गया था। नमस्ते एवरीवन, दिस इज मोनिका फ्रॉम नागपुर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। ये हमारा 4th सीजन होने जा रहा है। इसके साथ हमने मिस्टर इंडिया एक्सक्लूसिव मैन हंट को भी लॉन्च किया है, जो कि इन कॉम्बिनेशन विद MIQN है। MIQN इज इन एसोसिएशन विद मॉम्स फाउंडेशन दिस ईयर, जो कि हमारे साथ सोशली जुड़ा हुआ है और इसमें हम एक सोशल कॉज पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेशली एबल्ड एंटरप्रेनर्स को मौका देने वाले हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखाए और रोजगार का चांस ले। ये हमारा पहला ऑडिशन आज होने जा रहा है, जो इनफैक्ट आधा हो भी चुका है। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये सेंट्रल इंडिया का पहला ही ऑडिशन है, जहाँ वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर, भंडारा से डिफरेंट सिटी से लोग आए हुए हैं। और आगे हम भारत के अलग अलग कोने में, जैसे हर साल हम डिफरेंट जगह से कंटेस्टेंट्स को इनवाइट करते हैं, इस बार भी हम इनवाइट कर रहे हैं। और हमारे ऑडिशंस अभी छत्तीसगढ़, MP, नॉर्थ इंडिया, साउथ साइड में भी हम लोग अभी जाएंगे। ऑनलाइन ऑडिशंस भी हमारे शुरू हैं, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स ऑनलाइन ऑडिशंस भी दे सकते हैं। ये फॉर्मेट ब्यूटी विद ब्रेन्स का है और ब्यूटी ब्रेन पर्पज है इनफैक्ट। तो सिर्फ एक दिन का या फिर सिर्फ कैट वॉक का ये फोरम नहीं है, बल्कि यहाँ PI जैसे राउंड, पर्सनल इंटरव्यू जैसे राउंड, और फिटनेस एक्टिविटीज, टैलेंट राउंड जैसे कई सारे राउंड हमारे यहाँ होते हैं, हर साल होते हैं। मैम, कितने प्रतियोगिता ने इसमें अभी तक भाग लिया है? आज के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, ऑडिशन हमारे टोटल 25 हमने क्रॉस किया है ऑडिशंस में, जिसमें से अभी 7 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और आज देखते हैं आज के ऑडिशन के बाद और कितने हमारे इसमें आते हैं। अगर आप करना चाहें, आजकल सिर्फ बॉयज गर्ल्स की बात नहीं है, जो हमारे जो दूसरे जेंडर होते हैं वो भी इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम शीमेल या फिर दूसरे प्रकार के होते हैं। और क्यों नहीं होना चाहिए, मैं बोलूंगा
मानव अगर बना है तो उसको हक है। सारे बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स भी जुड़ते हैं हमारे साथ में। और एक चीज और जुड़ना चाहूंगा मोनिका की कड़ी को आगे बढ़ा के, कि इस साल की थीम जो हमने रखी है उसमें बहुत सारे ऐसी भी हम आपको एंटरप्रेन्योर दिखाएंगे जिनके शायद हाथ नहीं है और वो पैर से मेकअप करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके के हमने खोजे हैं और ये खोज एक दिन का काम नहीं था हमारे लिए भी। एज अ मॉम्स फाउंडेशन हमने 4 से 5 साल प्रयास करके कुछ हीरे मोती देश से निकाले हैं। जैसे एमआई क्वीन में हीरे मोती कंटेस्टेंट के रूप में ये जो खड़े हैं आप, इनसे भी बात करिए जो पिछले साल जीत के गए हैं या प्रीवियस ईयर जीत के गए हैं। हम इस तरीके से खोज के लाए हैं और हम भारत का दिल, मतलब नागपुर हम दिल हैं, तो हम क्यों ना इसको माथे की बिंदिया बनाएं, कुछ ऐसा एक कंसेप्ट देश में लेके आए जो वाकई में देश को बदलने की काबिलियत रखे। देखिए सर, एक्चुअली कैसा होता है, ये एक प्रतिस्पर्धा का वक्त आ चुका है जहां हर किसी को मॉडल या ग्लैमरस होना होता है जब से फेसबुक और ये सारी सोशल मीडिया आई है स्पेशली। लेकिन हम जब किसी पर्सनालिटी को चुनते हैं तो ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि खूबसूरत है, हम देखते हैं उसका दिमाग कितना खूबसूरत है। क्योंकि मैं भी एक नेशनल टाइटल विनर हूँ तो हम लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परखते हैं। हमें पका पकाया प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें ऐसी फसल चाहिए जिसे हम बहुत अच्छे से पका पाएं। तो इस तरीके के हमारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। वंस द सिलेक्शन इज डन, सारे फाइनलिस्ट के पोस्टर्स लॉन्च होंगे सोशल मीडिया पे एंड उनको पूरे 3 महीने का फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें 1 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड है। हमने हमारे पैनल पे कुछ ग्रूमर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, उनके भी बहुत ही जल्द हम पोस्टर्स लॉन्च करेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वॉक, बॉडी लैंग्वेज, पोजिंग के अलावा भी कई सारे ऐसी चीज़ें रहेंगी। क्वेश्चन आंसर राउंड का प्रिपरेशन उनका, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्माइलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग कुछ टिप्स भी उनको देंगे विनिंग के कि कैसे आप आगे कर सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हम उनको ब्रीफ करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बहुत अहम रहने वाला है इस जर्नी का, जो बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा सुरेश पिपलेवार एंड आई एम विनर ऑफ मिस कैटेगरी 2022। उसके बाद MIQN से मुझे मेरा फर्स्ट पीजेंट था एंड इससे मुझे प्लेटफॉर्म मिला। ये प्लेटफॉर्म का यूज करके मैंने दुबई में 2 क्राउन्स जीते, एक ग्लोबल मिस इंडिया इंटरनेशनल एंड ग्लोबल इंटरनेशनल का। इसके साथ ही मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एंड ये टाइटल का यूज करके मैंने काफी जगह पे लाइक अपने सोशल कॉजेस के लिए यूज किया, एक्स्ट्रा बहुत सारे डोमेन्स में यूज किया है। अभी भी मतलब लाइक क्लास 1 ऑफिसर होने के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं काफी सारी एक्टिविटीज इसकी करती हूँ, इसके मेरे खुद के भी शोज होते हैं। एंड मोनिका मैम से मैं 2 साल से जुड़े हुए हैं, 2022 से जुड़े हुए, मैं 2023 में भी आई थी। एंड मैं सभी कंटेस्टेंट से ये कहना चाहूंगी कि ये जो पीजेंट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, लाइक आप प्रोफेशनल हो सकते हैं कोई भी फील्ड में, बट ये आपको एक ओवरऑल ग्रूमिंग प्रोवाइड करता है सो दैट कि आपका एक पर्सनालिटी एक अलग तरीके से निखर के आता है। तो यहाँ के जो कंटेस्टेंट रहेंगे या जो भी इसे साइन अप करेंगे ऑडिशंस के लिए कॉल करेंगे, तो उन्हें एक बहुत अच्छा पूरा ओवरऑल उनका चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जितना भी जुड़े रहेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें खुद देखने मिलेगा। सो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसका आपने यूज करना चाहिए और मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS।